सिंह नौजवान नेता जो बिहार के उप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और आने वाले समय के मेहमान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भाई तेजस्वी यादव जी आज की सभा के आयोजक मेरे भाई और मेरे साथ मंत्री रहे हुए कैप्टन अजय यादव जी, मेरी बहन और विधायक देविका बिश्नोई जी, और आज की सभा के जो ये पूरक अपने अध्यक्षता जो कर रहे हैं, आयोजन जो कर रहे हैं, मेरे बेटे समान चिरंजीव राव जी, नरेश यादव जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, राधे श्याम शर्मा जी हमारे पूर्व विधायक, शकुंतला बगवाड़े जी पूर्व विधायक, हबीबुर रहमान जी, मेरी बहन सुमित्रा चौहान जी जिनका बहुत ही तेजस्वी आपने भाषण सुना, हमारी महिला कांग्रेस की प्रधान है, और गजय सिंह कपलाना जी, मेरा बेटा समान अभिमन्यु राव जी, मोहम्मद अहमद खान जी, अमन अहमद जी, मंच पर सभी बहुत ही सम्मानित नेतागण और यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी मेरी माता और बहनों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सुबह 10 बजे से जब धुंध थी तब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं कैप्टन अजय यादव जी को बधाई देती हूँ, चिरंजीव को बधाई देती हूँ कि इतनी भारी मात्रा के अंदर आज जो आपने रैली करी है, निश्चित तौर पर ये परिवर्तन रैली जो यहाँ से आपने शुरुआत करी है हरियाणा के अंदर, इसके अंदर परिवर्तन की लहर शुरू होगी और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत के यहाँ से निकलेगी। यह हीरवाल की धरती है और इस धरती को मैं नमन करती हूँ। यहाँ के जो सपूत हैं बहुत ही फौज के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया और इस धरती के बारे में वीरों की गाथाएं जो है इस धरती के बारे में लिखी गई, इसलिए आज आपके बीच में मेरा आने का यहाँ सौभाग्य आप हुआ है। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती कि पिछले 5 साल के अंदर आपने देख लिया कि कितना बुरा हाल हरियाणा का और पूरे हिंदुस्तान का हुआ। मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे मेरे भाई मेवात से आए और मैं जानती हूँ इस बात को कि बीजेपी ने जो 154 वायदे करे थे एक भी वायदा पूरा नहीं करा, बल्कि एक ही काम इन्होंने करा। वो काम क्या था? हिंदू और मुसलमान को बढ़ा दो, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है वहां जात पात का जहर घोल दो। ये सब माहिर हैं जात पात का एक इंजेक्शन देने में। हमेशा जिन लोगों ने कभी भी काम ना करना हो, याद रखना वो मजहब को लेकर या जात पात को लेकर समाज को बांटने की बात करते हैं। और जो ऐसी बात जब आती है, हर एक मन से मैं ये बात कहती हूँ, जो नेता जात पात की बात करता है उससे घटिया नेता कोई नहीं होता। सच्चाई की बात है, क्योंकि नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, आपके बच्चों को पड़ेगा, आपके विकास को पड़ेगा। इसलिए ये जो भाईचारा खराब करने की नीति जो बीजेपी ने अपनाई है, इस नीति को जो है केवल आप खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, आप तैयार हैं क्या ये खत्म करने के लिए या नहीं? तैयार हैं तो हाथ खड़े करके बताओ मुझे कि इनका समय पूरा हो गया है और आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर इनका बोर या बिस्तर बांध कर आप इनको बाहर करोगे। सच्चाई ये कि 5 साल पहले जब ये सत्ता में आए तो बहुत बड़े बड़े जुमले दिए, सबने सोचा पता नहीं क्या हो जाएगा, हर जगह हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा था, नौजवान बच्चे उछल रहे थे कि हमारे को रोजगार मिलेगा, बीजेपी ने वायदा करा बेरोजगारी भत्ता देंगे हम उन बच्चों को जो 10वीं पास हैं और बीए पास हैं, 6,000 और 9,000 रुपया। आज मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे बताइए
आपके इलाके के अंदर ये बेरोजगारी भत्ता आया क्या? नहीं आया तो हाथ खड़े करके बोलो, रिजवान को देखना चाहिए। ये सारी की सारी बातें झूठ है। मोदी जी ने वायदा करा था दिल्ली के अंदर झंडा जब फहरा रहे थे लाल किले से कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल होगा। 5 साल में कितनी नौकरियां होगी भाइयों? 10 करोड़ नौकरियां। बताओ तो मेरे सामने जो इतने लोग बैठे हैं, तुम्हारे घरों के अंदर भी बाल बच्चे हैं, कितने लोगों को नौकरियां मिली? नहीं मिली तो हाथ खड़े करके बताओ कि कोई नौकरियां नहीं हो। इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। किसान जो है, हमारा हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। आज हमारे किसान की क्या हालत हो गई है सब जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो ये मोदी जी ने शुरू करी है, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है भाइयों, मैं बताना चाहती हूँ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये घोटाला तुम्हारी जेब काट काट के होता है। सारों की जेब केसीसी कार्ड जो है कटता है या नहीं कटता बताओ मुझे? कटता है ना? कोई लोन नहीं मिलता, हर तरीके से जेब काटते हैं। महंगाई इतनी हो गई, यूरिया इतना महंगा कर दिया, खाद इतनी महंगी कर दी, और जो कट्टा है खाद का उसको भी 5 किलो कम कर दिया ना। वो हमारा किसान कहां जाए? डीजल पेट्रोल जो है इतना महंगा कर दिया कि जमींदारी काम करना जो है, जो हमारी कृषि का काम है, वो मुश्किल हो गया। आज ये जो नौजवान बच्चे जो बैठे हैं, माताओं बहनों के अपने जाते हैं घर में, जब कहीं फटपटिया के ऊपर जाना होता है और भाई जब पे निकलते हो या नहीं निकलते बताओ बच्चों? सारे के सारे गालियां देते हैं कि ये देखो क्या हाल हमारा कर दिया, कर्जे में किसान को डुबो दिया, किसान का सत्यानाश कर दिया, नौजवान का सत्यानाश कर दिया। मेरी माँ जो एक तरफ रहकर अपना काम करता है पूरी मजबूती के साथ करते, मैंने इनको विधानसभा में देखा है मेरे साथ मंत्री के जब लड़ाई लड़ा करते थे मैं और ये दोनों मिलकर कि हमें अपना हक चाहिए और हकों की लड़ाई लड़ी हमने। जो आदमी को हमेशा एक ही चीज की चिंता हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा काम अपने लोगों के लिए कैसे करना है, उसको अगर आप जिताकर भेजोगे तभी फायदा होगा। और ये बार बार जो ये जीत के जाते हैं इनको आपने देख लिया नहीं देख लिया? आने वाले समय में नकार दो इनको, बताओ नकारोगे या नहीं नकारोगे? और लेकर आओ जो आपकी आवाज सुनने वाले लोग हैं, जो आपके बीच में रहकर आपका काम करने वाले लोग हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। और वो आदमी आपके पास एक है, वो है कैप्टन अजय यादव। तो हाँ, आज जो है संकल्प लेकर जाइए यहाँ से, सारे मेरे नौकरियां चाहिए, मेरी माताओं बहनों को सुरक्षा चाहिए, मेरे किसान भाइयों को पानी का हक चाहिए, तो कैप्टन अजय यादव को पार्टी के अंदर जिता कर भेजो भाई, जिता के भेजोगे या नहीं? क्योंकि अगर अपना आदमी वहां बैठेगा तो तुम्हारी आवाज होगी। आज पार्लियामेंट में एक बारी किसी ने आवाज 4.5 साल के अंदर नहीं उठाई। कैप्टन अजय यादव जाएंगे यहाँ से, भिवानी महेंद्रगढ़ से छुट्टी जाएगी, तो हाथ मजबूत होकर दोनों के दोनों आपकी पानी की आवाज उठाएंगे और हम देखेंगे कौन माई का लाल है जो समान बंटवारा हरियाणा के अंदर पानी का नहीं होने देगा। हम होके करेंगे, हम ये ला के रखेंगे। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मेरी एक ही आपसे प्रार्थना कि राहुल जी का हाथ मजबूत करोगे तभी ये बात बनेगी। ये बीजेपी ने अब चुनाव के टाइम अब एक बजट पेश करा है, उसके अंदर और जुमले दिए और झूठ बोले। चुनाव के समय सारी झूठ बोलते हैं, गरीब और भोले लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाती, लेकिन समझ जाओ तो काट की हांडी एक बारी चढ़ती है। सही बात है या नहीं? एक बारी चढ़ती है ना काट की हांडी, तो दोबारा ये कांड की हांडी अब चढ़ने वाली नहीं। राहुल जी का हाथ मजबूत करो,
और आगे बढ़ो। तुम जानते हो इस इलाके के अंदर 1970 के दशक में 1969 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के मुख्यमंत्री थे, घर के अंदर उन्होंने बिजली पहुंचाई। आज के नौजवानों को ये बात नहीं, मैं जानती नहीं, घर घर के अंदर बिजली पहुंचाई, गांव को सड़क के साथ जोड़ा, हमारे जो है एजुकेशन के संस्थान जो है वो बनाए, जो उस समय बनाए थे कॉलेजेस और ये, हमारी नहरें बनाई, लेकिन आज वो नहरें हमारी सूखी पड़ी। बनाई इसलिए थी इस पायल नहर कि पानी लेकर आएंगे दक्षिण हरियाणा की सूखी धरती के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो फैसला 11 फरवरी 2016 में आया, 16 में आया था, उस फैसले को भी इन्होंने लागू होने से मना कर दिया। तो समझ जाओ, आगे अगर आपको अपना भविष्य चाहिए, आगे आपने अगर पढ़ना, तो ये जात पात की राजनीति छोड़कर एकजुट होकर एक आवाज के अंदर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाओ और कैप्टन अजय यादव को यहाँ से पार्लियामेंट के अंदर भारी बहुमत से जिता कर भेजो, ताकि तुम गरीब जो हो, सामने जो बैठे हो, तुम्हारा फायदा हो, केवल नेता का फायदा ना। ऐसे आदमी को लाओ जो तुम्हारी सोच करे, तुम्हारे बच्चों के बारे में सोच करे, जिसको ये दर्द हो अपने इलाके के बारे में कि हमने जो है काम करना, हमने अपने आगे बढ़ाना है, अहिरवाल को खूब आगे लेकर जाना है। तो मैं आपको अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप सब के साथ यहाँ जितने आए, अपनी गलियों के अंदर जाओ, अपने घरों के अंदर जाओ और ये बात रखो कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो काम करती है। राहुल गांधी ने पूरी तरह से वायदा करा है, राहुल जी ने, कि आपका किसानों का कर्ज जो है हमारी सरकार के 24 घंटे के अंदर, भीतर भीतर 24 घंटे के अंदर कर्जा सारे किसानों का माफ करा जाए। राहुल जी ने एक वायदा और करा है कि जो बेरोजगार है, जो गरीब है, उसको भी पूरी तरह से सम्मान तरीके से उसको भी भत्ता दिया जाएगा। तो गरीब की बात कह दी, किसान की बात कह दी, महिलाओं की बात कह दी, सारा काम हो गया पूरा, नौजवानों की बात कह दी, तो अब रह क्या गया? आप जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, इसलिए परखो। और आप जो है बोले सारे के सारे मेरे जो वोटर हैं, याद रखो ये वोट जो है ये तुम्हारे वोट है, ये और किसी काम की नहीं। समाज के अंदर जात पात सामाजिक होती है, लेकिन वोट जो है वो विकास की होती है। विकास के ऊपर वोट डालोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, इलाका आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, माताएं बहनें सुंदर सुंदर चुनरियां पहनेंगी और दोबारा से टूम बनवाएंगी, वो